आप ओमान शिफ्ट हो रहे हैं जो लोग, तो यहाँ पे फर्नीचर इजीली मिल जाता है। तो भाई यहाँ कानून है कि 60 साल से ऊपर वालों का वीज़ा नहीं लगेगा। कोई बाहर का आदमी अपने देश के बारे में बोलता तो बहुत एकदम एक अलग सी आग लगती है। ये ग्रीन एप्पल है, एक रियाल से भी कम। कहीं कहीं वीडियो लेने देते हैं, कहीं कहीं खुद बुला लेते हैं, ले लो। और इंडिया की वजह से नहीं ले रहे, कह रहे आपने ये लगाया इसलिए नहीं ले रहे। भूतों का रास्ता सच में। पता नहीं यूट्यूबर्स को देख के भाई पैसे का वो हो गया कि पता नहीं कितने पैसे कमाते हैं। अनिल कपूर जी हंस रहे हैं अंदर। बहुत घने दिन के बाद मैं इस जमीन के ऊपर अपना भाई मिल लिया है। लो जी मल्होत्रा साहब दी ग्रेट हो गए हैं रेडी। आपको भी कोई बात बुरी लग रही हो तो आप भी माफ करना। रू एरिया से कॉर्निश को जाते जाते ये खाली सी जगह आ गई, बिल्कुल सुनसान है। मतलब गाड़ियाँ गुड़ियाँ चल रही हैं, लोग बाग नहीं है। अरब कंट्रीज में एक सुख है कि यहाँ पर कोई डर वाली बात नहीं है, मतलब अनसेफ नहीं है। छीना झपटी और कोई भी मतलब मार धाड़ ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी आपके साथ। आप टूरिस्ट हैं या कोई भी हैं, कि कोई छीन झपट हो जाए। और अभी भी खाली जगह पे शायद मैं पैदल अकेला ही चल रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी देर से रोड पे, और कोई ऐसा मतलब डर नहीं लगता इन कंट्रीज में। यहाँ का एक फ़ायदा है। और ये शायद एरिया है अल वादी अल कबीर स्ट्रीम है। मैं जा रहा हूँ कॉर्निश की तरफ पैदल पैदल रूई एरिया से। रास्ते में सब खाली आ गया, कोई सरकारी बिल्डिंग ऑफिस है। ये एक बहुत शानदार सी बिल्डिंग है, पता नहीं किस चीज़ की है, जिसको पता हो भाई बता देना। आगे कहीं ना कहीं कोई बोर्ड लिखा आ जाएगा वैसे, हाय सूक अल मॉल। हाय सूक अल मॉल नहीं है, कोई होटल या कोई सरकारी बिल्डिंग ही लग रही है भाई। है बहुत शानदार। चलिए गुड, सरकारी बिल्डिंग्स की तरफ। कैमरा वगैरह यहाँ करना अलाउ नहीं है, वैसे तो व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है यहाँ इन देशों में, लेकिन सरकारी बिल्डिंग वगैरह से बच के रहें। आप भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो उसकी फ़ोटो वगैरह ना क्लिक करें, सरकारी ऑफिसेस जो भी हैं और सरकारी जो लोग हैं जैसे कि पुलिस वगैरह, उनकी फ़ोटो वगैरह लेने की कोशिश ना करें। ये लोग इतने ज़्यादा ना इन चीज़ों के अभी आदी नहीं हैं कि व्लॉगिंग हो रही है या कैमरा फ़ोटो, इन चीज़ों की अभी ज़्यादा इनको आदत नहीं है, तो बच के ही रहें ठीक है। पहले रोड पार कर लें भाई, रेड लाइट ज़रूर है, लेकिन अगर कोई और होता खाली रोड देख के वो क्रॉस कर लेता। यहाँ पर लोग बाग कर रहे हैं क्रॉस, हम ग्रीन लाइट पे ही करेंगे। ग्रीन हो गई, चलो जी थैंक यू भाई। खाली खाली रोड जो अरब कंट्रीज़ में रहते हैं ना, उनको ये पता है कि भाई यहाँ पर कार होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी ठीक ठाक पोस्ट पे यहाँ होता है वो अपनी कार ले लेता है और कार पर ही यहाँ पे गुजारा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह है वो देर देर में आती है बस, टैक्सी करते रहे जगह जगह जाने के लिए तो लुट लेंगे। बस बहुत कम दिखती है, आधे घंटे बाद एक बस दिखती है यहाँ पर, खासकर मस्कट में। रास्ते में चलते चलते एक दिखा आयुर्वेदिक क्लिनिक और एक ये शॉप दिखी है यूज़ फर्नीचर की। अंदर जाकर देखा था यहाँ पर थोड़ा सा फर्नीचर है, जो लोग शिफ्ट होते हैं या जो लोग नए आ रहे हैं वो ख़रीद लेते हैं, जो नए आ रहे हैं पुराना फर्नीचर, और जो शिफ्ट हो रहे हैं वो बेच देते हैं। तो ऐसी ही दुकानें ही खुली हुई हैं यहाँ पर। आप ओमान शिफ्ट हो रहे हैं जो लोग आने की सोच रहे हैं जॉब के, उससे तो यहाँ पे फर्नीचर इजीली मिल जाता है। एक और ऐसी शॉप आ गई, कई शॉप्स हैं यहाँ पर जो सेकेंड हैंड जो फर्नीचर बेच रही हैं। ये शॉप भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये शॉप जो है मथुरा रोड पर है, मथुरा स्ट्रीट पर, मथुरा होटल है ये, तो मथुरा होटल के पास है भाई। किसी को आना हो यहाँ शिफ्ट होने, जो लोग आ रहे हैं चाहते हो इन शॉप्स पे आना, तो मथुरा रोड पे। और भी बहुत जगह होंगी, सारी मार्केट में मिल जाएंगी आपको, रूबी में, गोबरा में, सब जगह। ये जो सारी लेन है, ये लेन सारी फर्नीचर मार्केट है। और चलते चलते एक लॉन्ड्री भी दिखी है। लॉन्ड्री भी बहुत ज़रूरत रहती है ट्रैवलर्स की, और जो भी यहाँ रह रहे हैं उनकी भी, या रहने आने वाले हैं उनकी भी। तो एज अ ट्रैवलर हम भी कई जगह लॉन्ड्री करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए अगर रहना है तो बहुत सारे कपड़े ले जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वेट भी देना होता है ना। और ये जनाब है अपने भाई, ये लखनऊ से हैं, इंडिया से। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार भाई, अशोक कुमार जी हैं, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ यूपी, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ यूपी से। और ये मालिक हैं लॉन्ड्री के, इनकी दो तीन शॉप्स हैं। ये लॉन्ड्री वाली जो दुकानें हैं इनकी दो तीन हैं,
वहाँ से कपड़े वगैरह धुल के आते हैं, यहाँ मशीन नहीं रखी हुई, यहाँ प्रेस होता है सिर्फ। एक कपड़े का 2 रुपये मतलब 200 ओमानी रियाल, 2 रुपये इंडिया के 40 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया के 40 रुपये एक कपड़े का है, और वो प्रेस के साथ है। अगर आप शर्ट वगैरह कराएंगे तो प्रेस करानी पड़ेगी, और हैंकी कराते हैं, मोज़े कराते हैं, अंडरवियर कराते हैं, कुछ भी, तो वो 100 पैसा है, यानी कि 20 रुपया पर कपड़ा है ना जी। अशोक जी किसी भी मुल्क ये कहाँ का है? ये बांग्लादेश। बांग्लादेश के बहुत हैं लोग हैं ना ये जितनी मार्केट है बांग्लादेश की, जैसा बांग्लादेशी बहुत हैं, बहुत मिले। कल जा रहे हो? अच्छा कल जा रहे हो? क्यों क्या वीजा नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा वीजा? क्या मालूम कहाँ नहीं लग रहा वीजा माफी। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? इंडिया से हो? हाँ जी। 60 साल से यहीं हो? हाँ ये 60 साल पकड़ो गए। इंडिया में कहाँ से हो? लखनऊ। लखनऊ से ही? जोर से बोलेंगे तो शायद पान खा रखा है, तम्बाकू खाया? तम्बाकू मिलता है यहाँ? कहाँ पे? लो भाई कमाल कर रखा है, लखनऊ वाले तम्बाकू लेके आए हुए हैं, तम्बाकू खा रखा है, जोर से कैसे बोलेंगे चलो जो होता अच्छे के लिए होता है। वीज़ा नहीं मिल रहा अपना, लखनऊ में बच्चों के साथ रहूँ। कानून में अभी ऐसा आ गया है कि 60 ईयर ऊपर वीज़ा नहीं लगेगा। अच्छा ये है तो अभी 60 ईयर ऊपर हो गया है। 60 ईयर से ऊपर हो गए इसलिए वीज़ा नहीं लगेगा। तो भाई यहाँ कानून है कि 60 साल से ऊपर वालों का वीज़ा नहीं लगेगा। और जो ये साहब हैं अशोक कुमार जी, इन्होंने अपना काम कर रखा है यहाँ पर। अपना काम का मतलब ये होता है कि आप आके आपको यहाँ के ओमानी की ज़रूरत ज़रूर है, नाम से ओमानी के होगा काम, तो ये एक तरह का मतलब उसका नाम यूज़ करते हैं शॉप के लिए, लाइसेंस वगैरह सब कुछ ओमानी के नाम का आएगा। ऐसा ही सऊदी अरब में ऐसा ही सब कुछ है, तो एक लगे बंदे पैसे उन ओमानी को पहुंच जाते हैं, और फिर वो वीज़ा या मतलब अपने नाम से जो भी सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर देते हैं। काम ये लोग करते हैं और उसको जो भी 15 रियाल या 20 रियाल महीने का दे देते हैं। ये छोटे कामों का है, और बड़ा काम किसी ने करना है तो उसमें फिर ओमानी की पार्टनरशिप चाहिए होती है, वो जैसे जिसकी सेटिंग हो जाए। तो इन्होंने 30 साल से यहाँ पर यही काम कर रखा है ना जी। जी चलिए साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे जी। चलो भाई, और एक और बात, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को लगता होगा भाई मैं देशभक्ति को ज़्यादा वो करता हूँ, लेकिन नहीं, आप मेरा जो एक्सपीरियंस है जो वो मुझसे कराता है। जब मैं 14-15 साल पहले पहली बार निकला था इंडिया से बाहर, तो मेरे को भी कुछ नहीं ऐसा फील होता था, ठीक है, जैसे आप लोग सबको लगता है, क्योंकि हम जब अपने देश में रह रहे होते हैं, ठीक है, हम अपने देश की बुराई भी करते हैं, हम अपने देश में जो भी हो रहा है उन मुद्दों पे भी बात करते हैं, अच्छे बुरों पे, सब पे। लेकिन जब आपके देश को बाहर कोई बोलता है तो एक ना अलग सी आग लगती है, वो चाहे किसी का भी देश हो, शायद कोई भी मेरी बात सुन रहा है वो शायद किसी भी देश से ताल्लुकात रखता है, उस देश की बुराई को ना अपनी सरकारों की कर लेंगे, समझना। हो सकता है कोई अपनी सरकार की बुराई कर रहा है जो भी है, लेकिन जब देश की बात आती है ना, जब कोई कहेगा इंडिया ख़राब है, तो एक ना अलग सी आग लगती है। और ये आग ना मैंने बहुत बार झेली है, क्योंकि मैं बहुत कंट्रीज़ में घूमा हूँ, आपको पता है, आप लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब पर भी काफ़ी कंट्री सब दिखा चुका हूँ मैं, तो एक अलग सी आग लगती है। और वो आग एक सैनिक पहचानता है, देखो एक सैनिक देश के पीछे मर जाता है, वो शहीद हो जाता है, वो सोचता भी नहीं, वो आग उसके दिल में है। कभी उससे पूछो, उसके आगे उसके देश को कुछ बोलो, वो देखो क्या हाल करेगा, वो किसी भी देश का सैनिक हो। तो ऐसे ही मेरे को घूम घूम के जब कोई बाहर का आदमी अपने देश के बारे में बोलता है, तो बहुत एकदम एक अलग सी आग लगती है। और वो आग मैंने देखी है, झेली है, और उस बात से मुझे प्यार है। लाइक मुझे पता है कि आग लगेगी ये कुछ बोलेगा तो, और फिर क्यों ना हो भाई, हम जिस देश में पैदा हुए, वी शुड प्राउड, हमें बिल्कुल गर्व करना चाहिए अपने देश पे, वो जैसा भी है वो हमारा देश है, वो आपका देश है जैसा भी है। और भाई मैं किसी के देश को भी जिंदाबाद कहूँ, मेरे देश को कोई गलत कहेगा मैं उससे लड़ूँगा, मेरे देश को गाली मत बको, मैं आपके देश को गाली नहीं बकरा, आपका देश जिंदाबाद, मेरा देश जिंदाबाद, आप अपने देश के नारे लगाओ, मैं अपने देश के नारे लगाऊँगा, और क्यों ना लगाएं, खुशी खुशी लगाएंगे, तेजी से चीखेंगे। और हाँ, ये जो देश वाली आग है, वो जब बाघा बॉर्डर पे लोग बाग जाते हैं और वो जो झंडा सलामी होती है वहाँ पर, तो वो दोनों तरफ जो पाकिस्तान वाली साइड और इंडिया वाली साइड जो माहौल बनता है,
वो भी उस आग से ही बनता है। तो जब आपके देश को कोई बाहर गलत कहता है तो बहुत आग लगती है। इसीलिए ये चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने झेली हैं, इसीलिए मैं अपने देश को और इतना सब कुछ जो भी आपको लगता है ये जय हिंद वगैरह, तो मैं मेरे को अच्छा लगता है अपने देश को और मेरे को गर्व है अपने देश पे। जय हिंद। तो अब हम आए हैं एक स्टोर में जो कि एक ग्रॉसरी स्टोर है, सारा सामान वगैरह ग्रॉसरी का मिल रहा है और कुछ फल और सब्जियाँ भी हैं। थोड़े से रेट देखते हैं फल और सब्जियों के यहाँ पर क्या है ओमान में। जैसे कि ये है आलू और इसका प्राइस है 300 ओमानी रुपया, 300 का मतलब है 60 इंडियन रुपीस। एक जो इनका रियाल है उसमें 1000 पैसा आता है, तो 100 में 20 इंडियन रुपीस है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लो। ये नींबू हैं 700 में, ये पर केजी का रेट है भैया, केजी का रेट है। टमाटर है 80 और खीरा है 90 रुपये के पास। भिंडी है 1 रियाल, बैंगन है 70 रुपया, घिया 60 रुपया, ये क्या है ये भी 60 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया, नारियल 350, लहसुन 150 रुपये का 700 ग्राम है भाई ये। अब ये फ्रूट्स भी हैं, कुछ फ्रूट भी देख लेते हैं। ये ग्रीन एप्पल है 1 रियाल से भी कम, 160 रुपया। ये ईरान का एप्पल है, नहीं ये अमेरिका का है। और ये वाला रेड वाला, ये ईरान का कितना हो गया 130 रुपया। ये 480 का मतलब हो गया 90-95 रुपया। और ये मैंगो 1 रियाल 200 मैंगो, ये भी ये कहाँ का है, ये केन्या का है। ठीक है भाई, कंट्री कंट्री का हिसाब है, बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। सेब खाने हैं तो फिर पैसे देने पड़ेंगे, क्यों भाई? हाँ भाई, बढ़िया चीज़ खाओगे तो बढ़िया पैसे दोगे। हाँ, तो सही बात है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही, इंडिया वगैरह में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है क्वालिटी, और भी देशों में बहुत अच्छी मिलती है। शायद ये इम्पोर्ट करते होंगे, इनके यहाँ छोटी सी कंट्री है और पानी तो है नहीं। सारी सब्जियाँ वगैरह बाहर से आती होंगी? हाँ, बाहर से ज़्यादा ईरान से आता है। ईरान से? हाँ हाँ। चलो, ईरान से ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ खेती खुती का तो कोई साधन दिखा नहीं, काफ़ी किलोमीटर हो गया है, 200 किलोमीटर कल गए थे, खेती खुती कुछ है नहीं, बाहर से ही आता होगा, महंगा ही होगा फिर तो। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका। जी भाई, भाई ने रेट भी बता दिया, अब आगे चलते हैं कुछ और देखते हैं। ज़्यादातर शॉप्स जो हैं टेलरिंग की और ये स्टोर्स, बार्बर शॉप, लॉन्ड्री शॉप, यही 3-4 शॉप बहुत ज़्यादा हैं। लेडीज़ टेलरिंग की अलग है, जेंट्स की अलग है, वो अपने वहाँ भी ऐसे ही होता है भाई। ये शायद लेडीज़ टेलरिंग की मार्केट है, सारी लाइन से लेडीज़ टेलरिंग की शॉप्स हैं, सारी पीछे पूरी जितनी शॉप्स हैं सारी लेडीज़ टेलरिंग। और बार्बर शॉप बहुत है, हर चौथी शॉप भी यहाँ पर बार्बर शॉप है। 4.5 किलोमीटर के लगभग चल के मैं पहुँच गया हूँ रूई से कॉर्निश वाले एरिया में, और हम हैं मथुरा सूख के आसपास। और यहाँ पर एक ये इंताकिया कॉफ़ी शॉप है जो कि बहुत फेमस दिख रही है लोगों के बीच, और बहुत भीड़ लगी हुई है अंदर। तो अपन भी डिनर यहीं कर लेते हैं और काम निपटाते हैं। तो ये है भाई यहाँ ये रेस्टोरेंट सिटिंग एरिया, और भाई हम जा रहे हैं अंदर जरा। जी बहुत शुक्रिया आपका। ओके भाई, बहुत फेमस शॉप है ये, है काफ़ी भीड़ भाड़ है और काफ़ी आइटम्स हैं ये। यहाँ पर क्या बोलते हैं, शॉर्मा ही बोलते हैं? हाँ, हमारे वहाँ भी चिकन शॉर्मा ही बोलते हैं। और जी हाय, कहाँ से आप भी? बांग्लादेश से? बांग्लादेशी बहुत है। और ग्रिल चिकन? मैं इंडिया से। जी इंडिया में? दिल्ली से। दिल्ली से? जी भाई। तो भाई चिकन शॉर्मा है और ग्रिल चिकन है जो ज़्यादातर चलता है, तंदूरी चिकन है। अभी वाह, तंदूरी चिकन भी बढ़िया लग रहा है भाई। सबसे ज्यादा क्या सेल होता है अपना, क्या फेमस है? हमारा सब अल्हम्दुलिल्लाह फेमस है, मिक्स प्लेट अच्छा है। मिक्स प्लेट में क्या? कबाब, कबाब, लैंब चॉप, लैंब कबाब, ऐसा पूरा चिकन बोटी, लाम बोटी, चिकन तंदूरी। तुम मिक्स प्लेट ले लो, एक छोटा वाला कबाब नहीं डालेगा, बोटी डाल दे। ठीक है, तो एक मिक्स प्लेट दे दो। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वहाँ बैठ जाए, कहीं कहीं वीडियो लेने देते हैं, कहीं कहीं खुद बुला लेते हैं, ले लो, कहीं कहीं बहुत पंगा होता है, डिलीट भी करनी पड़ती है वीडियोस।
बहुत फास्ट सर्विस है भाई। और अभी खाना आया नहीं है, पहले ये सूप रख गए हैं, सैलेड, हमस और रोटियाँ। मैंने बोला मैं भाई मेरा तो इसी में पेट भर जाएगा, बाकी लाने की ज़रूरत क्या है। कह रहे छोड़ जाना कोई बात नहीं, लोग बाग छोड़ जाते हैं, रोटियां सी बहुत खाते हैं यहाँ पर ना, छोड़ देते हैं रोटी हमस के साथ खाते खाते। चलो भाई हम भी खा लेते हैं जितना खाया जाए, छोड़ने का मन नहीं करता। सूप ओके है, हमस चेक करते हैं। हमस भी ठीक है, लेकिन जो जॉर्डन और सीरिया में थी ना वो कहीं नहीं है। लाओ भाई उतनी, और ये प्लेटर भी आ गया, इतना सारा खाना खाएगा कौन। भीड़ सही लगी हुई थी भाई, खाना बढ़िया और जगह के हिसाब से यहाँ पे अच्छा मिला खाना। और ठीक है सब घर परिवार? चलिए बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं बिल? नो प्रॉब्लम। बिल बिल लो, लॉगर हैं, लॉगर नहीं बिल लो, वो कहा है मेरा भाई। क्या बिल भाई? ये पहली ऐसी शॉप मिली है जो कह रही है भाई आपको बिल नहीं है। ओमान से दोस्त आए हैं, भाई आए हैं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, लेकिन बिल बता दो प्लीज। बिल यार बस आपके दिल के नजदीक लगाए हैं, बस वही काफी है। अच्छा बिल हो गया मेरा इससे, ये मेरी जान है, सबकी जान, सबकी जान। आप भी इंडिया से? इंडिया से, बैंगलोर। क्या बात है। अच्छा आप? बांग्लादेश। पूरा कॉकटेल है, सब कॉकटेल है, इंडिया, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी भी है। पूरा कॉकटेल है भाई। ये साहब भी यहाँ बैठे हैं बैंगलोर से। ये मेरे डैड हैं। अच्छा डैड हैं आपके? वाह जी, तो ये आपके ही है जी? इट्स बीन लाइक 30 इयर्स, 30 साल से है। बहुत बढ़िया खाना भाई, और मैंने वहीं बता दिया आप लोगों को खाना। बिल तो मैं यहाँ देने आया था, तो अब ये नहीं ले रहे बिल, और इंडिया की वजह से नहीं ले रहे। कह रहे आपने ये लगाया इसलिए नहीं ले रहे। थैंक यू जी, ये मैं हमेशा लगा के रखता है। जय हिंद, बहुत शुक्रिया आपका भाई। वो कहाँ गया मेरा दोस्त? एक ये भी मेरा दोस्त है, इसने ओमान में आते इसने एक चाय पिलाई थी भाई मुझे, इसकी चाय नहीं भूलूंगा मैं कभी भाई की। फिर मिल गया, आते हुए भी मिला था, अब कल मेरी फ्लाइट है, जाते हुए भी मिल रहा है। आओ भाई ओमानी हलवा खाएं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। तो भूतों का रास्ता, भूतों का रास्ता, सच में मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत सुंदर है, लेकिन ओल्ड टाइप है। मजा ट्रेडिशनल डाल लो इसका जी। अरे वाह, सिंस 1980 से आप ही चला रहे हैं, क्या बात है। आपका ही नाम है? अच्छा कंपनी का नाम है। चलिए भाई सबको बहुत बहुत शुक्रिया, चाय पियो भैया, दोस्तों को चाय। भाई बस कहाँ पेट में जगह छोड़ी आप लोगों ने? नहीं ये ले चाहिए, थोड़ा ले लो, ये हो जाएगा। मैंने वो बनाना शेक भी लिया, मुश्किल है मेरे को, मोटा करेंगे भाई ये। बहुत शुक्रिया जी। लाल दुपट्टे की चाहिए, पी लो लाल दुपट्टे की। अरे वाह बहुत बढ़िया जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी अब मज़ा आ गया भाई, और प्यार मिलता है फिर मज़ा आता ही है इंसान को। भाई ने आवाज़ मारी थी मुझे सबसे पहले, भाई बहुत ये दोस्त है आपका? ये सबका दोस्त होगा यहाँ पे, ये बंदा अपना। अच्छा ये बंदा बहुत बढ़िया, तुम्हारे गाँव का नाम रोशन करेगा, पूरे बांग्लादेश का करेगा ये।